गुड इवनिंग एवरीवन। हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है परमुटेशन को। तो सबसे पहले हमने आज किया था नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स और आर का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स टेकन टूगेदर। ये आपने फॉर्मूला लिखा, आउट ऑफ एन थिंग्स इफ सम थिंग्स आर पी क्यू एंड आर टाइम्स रिपीटेड। नंबर थ्री लिखेंगे, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल। पहले इनका मतलब समझेंगे, एन माइनस वन फैक्टोरियल। नलिन चला गया क्या, वो निपुण चला गया, कहाँ घूम रहा है? वाह, एन माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा मैं 2 मिनट लूंगा आपके। आपका नाम क्या बेटा? हाँ, स्पेलिंग क्या है? ध्रुव नाम में कितने लेटर हैं? डी कितने हैं? एक एच कितना है? आर कितने हैं? यू कितना है? वी कितना है? ध्रुव नाम से कितने नाम और बना सकते हैं 5 लेटर को लेके? 5 है और पांचों के पांचों यूज करने, तो उसके तरीके कितने होंगे बेटा? 5P5 क्या होता है? मतलब 5 में से एन 5 है और आर कितना है? पांचों आइटम लेके ध्रुव से कितने नाम बना सकते हैं हम लोग? फॉर्मूला क्या कहता है? क्या फॉर्मूला लिखवाए आपको? एन फैक्टोरियल अपॉन, तो कितना आ जाएगा ये? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हो गए। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू, सॉरी मैंने कुछ गलत किया है क्या? अच्छा सॉरी फॉर दिस, हड़बड़ाहट में मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं उसको सुधारना चाहूँगा। वापस चलिए, ये जो फॉर्मूला लिखवाया मैंने गलत लिखवा दिया फॉर्मूला आपको, यहाँ आर फैक्टोरियल नहीं है। प्लीज़ काट दीजिए मेरे। रोहन जी, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि काट दिया आर सर, काट दिया। आर कर दे। वो क्लास में रिकॉर्डिंग रह गई, रिकॉर्डिंग ऑन करी, गर्मी लग रही है इधर, अब फॉर्मूला करने लगा तो मेरा कंसेप्ट ही हिल गया। पता लग जाए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ से आर हट जाएगा, बाकी सब कुछ अगर ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से आर हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, ये तो कितना अंतर आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 0 फैक्टोरियल बन होता है, तो कितने नाम बन सकते हैं ध्रुव से? 120 नाम। तो आपने कभी सोचा है ध्रुव आपके नाम से कितने लेटर बन जाएंगे, कितने नए नाम बन सकते हैं? आ देखिए, नए बच्चे का नामकरण होगा आज। ध्रुव नाम से कितने नाम और बन सकते हैं? अब देखो कैसे बनेंगे, और 120 तरीके बनाने को नहीं आएंगे आपके एग्जामिनेशन। यानी ध्रुव से कितने नाम बन सकते हैं? 120 से मैं नहीं कहता साहब, कौन कहता है? मैथ्स कहती है। कैसे ध्रुव नाम से क्या क्या बनेंगे, एक बार देखें जरा। ध्रुव DHRUV, अब डी को यहाँ रख लिया, अब HURV, डी एच को यहाँ रख लिया, RUV, मतलब ये कितनी बकवास है। ध्रुव ध्रुवा वुरुवा वुरुड़ वुरुड़, मतलब यू कैन मेक द दुनिया, कितने नाम बना सकते हो? 120। कभी आपने सोचा है? तो परमुटेशन में हमेशा ये चलती है। अब जैसे आपने नाम सुना होगा रवि, रवि से कितने लेटर बना सकता हूँ मैं? 4P4 बनेंगे, कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, कितने तरीके हो गए? 24। रवि से क्या बन जाएगा? अवीर, वीरा, आईवीर, एवीर, पता दुनिया भर के ड्रामे करते रहेंगे बैठे बैठे, पर करने नहीं है। यानी मोटा मोटा कहेंगे एन लेटर तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? एन फैक्टोरियल तरीके। अगर किसी का 6 अक्षर का नाम है तो कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे? 6 फैक्टोरियल से। किसी का 40 शब्दों का नाम है, कितने तरीके बनेंगे? 40 फैक्टोरियल हो जाएगा। रोहन जी आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर, यस सर। लेकिन मैंने एक बात कही, यहाँ आर भी एक बार आ रहा है, ए भी एक बार आ रहा है, वी भी एक बार आ रहा है, आई भी एक बार आ रहा है। अब मैं गया साहब
सर के पास। सर आपका नाम क्या है? समर्थ की स्पेलिंग बताइए। ऐसे इनके नाम ने तो कमाल ही कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे एक आम आदमी होता तो क्या कहता, 7 फैक्टोरियल तरीके हो गए। क्या हो गए? 7, 7 लेटर का अगर वर्ड है तो कितने तरीके से निकल सकते हैं उसको हम? 7 फैक्टोरियल तरीके से उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या बना सकते हैं हम लोग, परमुटेशन बना सकते। लेकिन देखिए यहाँ कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, ये कितनी बार आ रहा है? और बाकी अगर कोई चीज़ रिपीट हो जाए तो उसे देखो, ये वाला ए अगर यहाँ ले जाऊँ या ये वाला ये यहाँ ले जाऊँ, रहेगा तो क्या ए समर्थ ही रहेगा। अगर कोई रिपीट होगी कोई चीज़ तो उससे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। मैंने क्या लिखवाया था आपको, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल बताया। तो इसके इससे कितने तरीके बनेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तरीके। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 5040 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आएगा, 2520। लेकिन कब करेंगे, जब कोई चीज़ क्या होगी, रिपीट होगी। क्या होगी, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, एक बच्चे का नाम था सपना, मैंने अपने मतलब के लिए उसका नाम कर दिया पपना। क्या नाम कर दिया, पपना। पपना में कितने लेटर आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। 6 में पी कितनी बार आ रहा है, ए कितनी बार आ रहा है, एन कितनी बार आ रहा है, कितने तरीके हो जाएंगे इसके, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टू 3 फैक्टोरियल। क्यों, ये वाला पी इधर आ जाए, ये वाला पी उधर चले जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ आ गया, अगर कोई चीज रिपीट होगी उससे क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। एक मिनट के लिए सर आप दोनों इधर आएंगे मेरे पास, एक मिनट के लिए आप भी आ जाइए, थोड़ा डेमो कर देते हैं। आप भी आ जाइए सर, आप भी आ जाइए, आप ऐसे आप सोचोगे 24 तरीके यार, सर के पास जाना है कॉफी लेने के लिए, सर के पास डाट खाने जाना है, तू जा पहले खाने, तो आप इस तरीके से खड़े हो सकते हो। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका क्या होगा, अब तू यही रहे, ये यहाँ जाएगा, रोहन आपको मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? रोहन यस यस आ रही है। हाँ, ये देखिए चारों बच्चे ये लाइन में खड़े हुए हैं या सर्कल में इस टाइम? यहाँ सर देखेगा थोड़ी यहाँ से। अच्छा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से? अच्छा, ये चार बच्चे मैंने सर्कल में खड़े कर गए। हाँ, कितने कितने करेंगे सर्कल में? चार। तो सर्कल में एक तरीका कम हो जाएगा आपके, यानी कितने तरीके हो जाएंगे आपके, 3 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू होती है वहीं से एंड होती है। थैंक यू सो मच, आप चारों बच्चे आए और आपने यहाँ बहुत अच्छा डेमो दिया। तो अगर आप सर्कल में खड़े होंगे तो एक तरीका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एन माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब काम करते हैं मुद्दे की, मतलब मुद्दे की बात करते हैं। अभी तक तो हमने करी थी तड़ी परमुटेशन का, आपको तरीका समझ में आ जाए, परमुटेशन का मतलब समझ में आ गया। 5 में से 5 बच्चे लेके हम, जैसे अभी बात करी हम लोगों ने, रवि से वर्ड बनाया, कितने तरीके बन सकते हैं रवि से, 4b4, 4b4 का मतलब कितना हो गया, 24 तरीके। अच्छा, मैंने रवि में 4 के 4 लेटर लिए थे, 4 के, यानी कि 4 में से 4 के 4 लिए। अगर मैं 4 में से केवल 2 लेटर लेता तो कितने तरीके बनते, 4 फैक्टोरियल अपॉन कितने तरीके बन जाते, 24/2, फिर 12 तरीके हो जाते। केवल 2 लेटर लेते एक बार में, खाली आर ए लेता उससे कितने बनते, फिर या मैं ए और बी लेता तो कितने बनते, वी और आई लेता तो कितने बनते, दो दो लेके बनाओगे तो कितने बनेंगे। 4b3 का मतलब क्या हो गया, 4 में से कितने ले लेके बना रहे हैं हम लोग, 3 लोग बना रहे हैं। 4b4 का मतलब 4 में से 4 के 4 लेके बना, ठीक है। आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे, तो मैं आऊँगा चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे जरा, और मैं चाहूँगा रोहन जी अपनी आवाज़ दें इस क्वेश्चन को एक बार जरा, क्वेश्चन नंबर 1। How many 3-digit numbers can be found by using the digits 1 to 9
इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ये हमने लास्ट क्लास में भी इस तरह के सवाल किए थे, जिन्होंने नहीं करे वो वीडियो भी देख सकते हैं। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, अभी यहाँ परमोटेशन नहीं लगाना है, जब डिजिट आ जाती है मैं परमोटेशन नहीं लगाता, मैं देसी तरीका लगाऊंगा, फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। मेरे को कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 1 to 9 तक का डिजिट लेने हैं, और कोई डिजिट मुझे रिपीट भी, कितने तरीके होंगे बताइए। एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, हाँ 7 into 8 into 9, मतलब 1 से लेकर 9 तक के डिजिट लेने हैं, तो ये कितने तरीके से अरेंज होगा, ये कितने तरीके से अरेंज होगा, ये कितने तरीके से होगा, तो आप लिख देंगे वही कहानी। क्या लिखेंगे आप, लिखिए जरा वही कहानी, यूनिट प्लेस डिजिट कितने तरीके से अरेंज होगा, 9 तरीके से, 10th प्लेस डिजिट 8, 100 प्लेस डिजिट 7, सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे। समझ आई रहो नहीं बात आपको? यस सर, यस सर। 9 into 8 into 7 कितना हो गया, 72 into 7, 56 into 9, 504 तरीके हो गए। इतिश आप खुद करेंगे तो बेटर रहेगा, 504 तरीके हो गए। कभी आपने सोचा, ये वेलेपंती वाले काम है, मैं तो ये कहता हूँ, किसके पास टाइम है, जितने बनेंगे बन जाएंगे सर, यही काम रह गया क्या हमारा। सर आप, मैं बिल्कुल बताऊंगा सर, मैं एक्चुअली यहाँ हूँ, सर चले आगे। अब एक पढ़ा लिखा बच्चा मेरे पास आया और बोला सर आपका तरीका गलत है। मैंने कहा बच्चा रुलाएगा क्या, मैंने कहा बच्चे रुलाएगा क्या, वो पढ़ा लिखा था थोड़ा सा। उसने कहा सर हमारे मास्टर जी ने बताया है, हमारी मैडम जी ने बताया है, इसका आंसर आएगा सर 9 में से आपको कितने डिजिट लेने थे, 3 डिजिट लेने थे, तो उसको ऐसे लिखो ना 9P3। 9 में से कितने डिजिट ले रहा हूँ एक बार में, मैं 3 ही ले रहा हूँ ना, तो कितने तरीके बनेंगे देखना जरा। 9 factorial upon, इसका लो 9 factorial upon, और उसको क्या लेंगे 9 into 8 into 6 factorial, 6 factorial आपस में क्या हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 9 into 72। कौन सा तरीका अच्छा लगा, पढ़े लिखे वाले बच्चे वाला या अनपढ़ वाला, मतलब अनपढ़ वाले का मतलब है कि देसी वाला। पहले क्वेश्चन में डाउट बताइए क्या सर, सर ये फोन में, एक सेकंड सर मैं एक बार एक समय लेना चाहूँगा सर, क्या था ये आपका रवि सर, पहले क्वेश्चन में y इज इक्वल टू रूट में 1 + x है, माइनस है माइनस रूट 1 - x, और पूरे क्या बोन में है वो, हाँ 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 वो इक्वल टू गलती से आ गया सर वो। कौन सा तरीका अच्छा लगा आपको वैसे, वो क्या हो जाती है अलग चीज हो जाती है। तो अल्टीमेटली आप, मैं चाहता हूँ कि डिजिट वाले सवाल आप ऐसे करें, उसमें कोई वो कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अच्छा अगला सवाल देखिए सर, रेपिटेशन होगा तो कौन सा तरीका फेल होगा, दोबारा बोलिए, रिपीटेशन होगा ना बेटा, तो अपना ये जो मैंने कॉलम बनाया है वो वाला तरीका बेटा। अच्छा अच्छा ये वाला तरीका चलेगा, ईस्ट और वेस्ट, दिस मेथड इज द ईस्ट और वेस्ट, दिस मेथड इज द बेस्ट, ये अपना देसी है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जरा एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब इसने ये नहीं बताया कि टोटल डिजिट कितने हैं, तो टोटल डिजिट नहीं बता रखे तो हम बाय डिफॉल्ट कितने लेकर चलेंगे, जो दुनिया में डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। इस दुनिया में 0 से लेकर 9 डिजिट से आप कुछ भी बना सकते हो, आप इतनी खूबसूरती है इन 10 डिजिट के अंदर में। दुनिया में इनके अलावा कोई नंबर आता है, डिजिट आता है जो किसी नंबर में आता हो, 0 से लेके
9 तक। तो कितने डिजिट लेके चलेंगे सर यहाँ पे, 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट का नंबर बनाना है आपको? तो इसको बोल देंगे सर, एक सेकंड के लिए। तो यहाँ पे उल्टा शुरू करेंगे, जब 0 से शुरू करते हैं, मैंने बताया था आपको, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो यूनिट बेस्ड डिजिट कितने, सॉरी 1000 बेस्ड डिजिट को कितने तरीके से अरेंज करेंगे आप? 9 तरीके से अरेंज करेंगे। क्यों करेंगे हम लोग? बिकॉज वी कैन नॉट स्टार्ट विद। और इसको कितने तरीके से रखेंगे फिर? इसको भी 9 तरीके से रखेंगे। क्यों? क्योंकि 10 में से एक यूज ऑलरेडी हो चुका है। तो 10 बेस्ट डिजिट कितने तरीके से अरेंज होगा? 9 और 10th डिजिट 8 और यूनिट प्लेस 7, 9 9 8 7। टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? यानी यहां भी आपका वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां फेल हो जाएगा, चलेगा क्या? देसी। थोड़ा सा संजीदा है सवाल, थोड़ा सा क्या है, संजीदा है। संजीदा समझते हैं ना आप? समझ आया ना जसराज? मैंने हाँ, यहाँ पे भी यहाँ से शुरुआत करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे? यहाँ से, जब 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कोई भी नंबर कहाँ से शुरुआत नहीं होगी बेटा, 0 से शुरुआत नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो, अगर मैंने कहा ये 003, ये कितने डिजिट का नंबर है? एक डिजिट का है, तीन डिजिट का है? एक ही डिजिट का नंबर कहूंगा भाई इसको। इसलिए आई कैन नॉट स्टार्ट 0, क्योंकि टोटल डिजिट कितने वाले वाले मेरे पास? 10। कितने वाले वाले हैं? 10। 10 में से एक कम हो गया, 9 रह गए। फिर अगली बार तो बीच में तो 0 यूज कर सकता हूँ ना। तो 10 में से एक यूज हुआ तो 9 रह गए, 2 यूज हुए तो कितने रह गए? 8 हो गए। एक तो दबा मेरे साथ। अगर मान लिया सवाल में कह रहा होता है ये, रोहन मेरा सवाल आपसे है, सर रोहन अगर इसमें कह रहा होता डिजिट्स आर रिपीटेड तो क्या करते हैं? डिजिट्स आर रिपीटेड हाँ तो सर दूसरा वाला मेथड करते हैं ना। नहीं, दूसरा वाला मेथड तो लगता नहीं, मेथड ये लगता है। ये तो मैं बोलूंगा नहीं आज के, और पहला वाला दूसरा वाला बता, बताना नहीं चाहिए था वो मुझे। अच्छा ठीक इसी है इसी तरीके से बताओ मुझे, 9 10 10 10। रोहन समझ में आया क्यों होगा 9 10 10 10? नहीं सर बता दो एक बार। देखो पहला तो डिजिट 9 तरीके से अरेंज होगा ये वाला, तो क्योंकि यस सर 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। यस सर लेकिन बाद में मैं रिपीट कर सकता हूँ। रिपीट करने का तो क्या करूंगा, 10 में से कोई भी डिजिट यूज करूँ, चाहे मैं अभी यहाँ पे ओके ओके हाँ 10 10 10। ठीक है तो यही तरीका चलेगा जब भी आपको डिजिट की फॉर्मेशन करनी हो। ओके सर ये दिस मेथड इज यूनिवर्सल। चलिए आगे चलें, आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भैया? हाउ मेनी 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, और डिजिट क्या यूज करने हैं आपको? केवल 1 2 3, 1 2 3 4 6 7। अब टोटल कितने डिजिट अवेलेबल है आपके पास? ओके, तो अब कब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको कितने तरीके से अरेंज करेंगे फिर हम लोग? 5। लेकिन इसको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? इवन कह रहा है, इवन कब आएगा? जब लास्ट में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 3। इसको तरीके 3 हो जाएंगे, तो मैं चेक कर रहा था केवल। तो आप समझ में आ गया, यूनिट प्लेस को रखने के तरीके कितने हो जाएंगे आपके? आंसर निकालो उसका, तो आ जाएगा 6 × 5 × 3। चेक करो पीछे आंसर, चेक करो। तो मैंने अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी ना,
सर पीछे आंसर 60 है 90 के का। देखिए क्यों गलत है हमारे पास, हमें कितने तरीके का नंबर बनाना था, 1 2 3 4 कितना था, अब देखिए मैं जब मुझे इवन या ऑड देखना है मुझे पीछे से शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत आगे से कब करते हैं केवल जब कहां से नंबर शुरू होना था जीरो से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है पीछे से शुरुआत ना करेंगे। पीछे वाला डिजिट में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, टोटल डिजिट कितने थे, 6 थे ना, 6 में से एक जो कितने बचे बाकी 5, यहाँ पे कितने बचे 4, तरीके बताओ कितने होंगे। आगे से कब शुरू करेंगे जब कहाँ से शुरू होगा जीरो से, ठीक है बेटा 4 से आगे टोटल डिजिट 6 थे, एक डिजिट यूज हो चुका, एक डिजिट एक दो तरीके कितने थे 3, अब डिजिट कितने बच गए 5, फिर एक और बच गया डिजिट वाले कितने बच गए 4। मेरा सवाल रोहन क्लियर है? यस सर। तो सर इसमें पीछे से शुरू करना है? हाँ पीछे, हमेशा पीछे से शुरुआत होगी, लेकिन जीरो जब नंबर जीरो से शुरू हो जाएगा तो शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी आपको, आगे से। रोहन एक छोटी सी बात बता देगा मुझे, अगर मान लो इस क्वेश्चन में डिजिट रिपीट हो रहे होते तो आंसर क्या आता? डिजिट रिपीट हो रहे होते तो वेरी गुड एक्सीलेंट आंसर, कितना आंसर आता रोहन? ये तो तरीके 3 ही रहते बेटे तेरे, ये तरीके कितने हो जाते? यस सर। 6, ये भी तरीके कितने हो जाते तेरे? हाँ ठीक है 6, 3 6 6, ठीक है। ध्रुव अग्रवाल जी नींद की चुस्कियाँ साथ में ले रहे हैं, अब लोग चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, चलेंगे आगे सर। करूँ जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट का नंबर बनाना है, डिजिट क्या यूज करने हैं आपको, 1 2 3 4 एंड कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, ये सेकंड पार्ट है, नहीं 2 से डिवाइड करने वाला तरीका मुझे समझ में आता है। देखो पहले तो बताओ कितने डिजिट का नंबर बनाना है आपको, डिजिट क्या क्या यूज करने हैं आपको, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तो, पहली बात तो ये कितने तरीके से रखेंगे आप, 5 तरीके से, ये 4, ये 3, ये 2 लिख दो ना वो अंग्रेजी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 6 चौक 24 बन जाए 120 हो गया। बी पार्ट क्या है, इवन नंबर कितने होंगे इनमें से, इवन नंबर में किसकी रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी, लार्ज रीज में कितने तरीके से रख सकते हो, अगर इवन है तो 2 तरीके से पूछो, 2 तरीके से, और ये तरीके कितने हो जाएंगे, 5 में 4 3 2 1 कितने तरीके हो जाएंगे, अच्छा 4 डिजिट का नंबर बनाना था क्या, कितने तरीके हो जाएंगे फिर, 2 4 3 2 कितने हो गए 48, और अगर आपको ऑड नंबर बनाने तो कितने बनते, वो 120 में से 48 को क्या कर दो आप, माइनस कर दो, डिवाइड बाय 2 करता तो गलत हो जाता ना, कि ऑड नंबर 3 रख सकता था ना पीछे, फिर मैं रोहन ऑड नंबर होता तो 2 की जगह 3 रखते एंड में, वेरी गुड बिल्कुल सही कहा आपने, 2 की जगह 3 रखा, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक बच्चा है समर शर्मा, वो कह रहा है सर मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ूंगा, सर टोटल 120 है, 48 क्या है इवन नंबर है, तो ऑड नंबर कितने होंगे, साहब मर्जी आपकी चलेगी, चलो आगे मैं, बोलिए बेटा बोलो,
रोहन जी आगे चलें। यस सर। चलो जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा सवाल क्या है? कह रहे कमेटी बनाओ, कितने लोगों की? एक चेयरमैन चूज करना और एक क्या चूज करना है आपको? वाइस चेयरमैन। और वन पर्सन कैन नॉट बी होल्ड मोर देन वन पोजीशन। एक बंदा एक थोड़ा सोचो जरा। पहले चेयरमैन बनेगा 8 तरीके से, अब चेयरमैन तो बन गया, बाकी 7 बंदे बचे, उनमें किसी को वाइस चेयरमैन बना दो। अगर ये लिखा होता कोई बंदा चेयरमैन भी हो सकता है और वाइस चेयरमैन भी हो सकता है, 8x8 हो जाता। समझ आया? 56 आएगा ना आंसर? 56 आंसर आएगा। लिखवाऊं तो ना? लिखना है चेयरमैन सर? आ गया समझ में। चेयरमैन बनने के 8 तरीके, वाइस चेयरमैन बनने के 7 तरीके, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 56। चलेंगे आगे। अब ये सवाल आएंगे थोड़े अलग तरह के, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। एक मैं कराऊंगा, 2 आपसे करवाऊंगा। छठे सवाल में क्या चाहता है आपसे? वो क्या चाहिए उसको? एन चाहिए साहब, सबको क्या चाहिए? और ये चीज इसके इक्वल है, किसके इक्वल है लिखूं जरा मैं? क्या था ये? क्या था ये? एन माइनस वन पी थ्री इस टू कितना है? एन पी फोर का रेशियो किसके बराबर है? केवल आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ होगा। पहली बात तो उसको सुंदर लिखने की क्या करी जा रही है कोशिश। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? बेटे मेरी शक्ल नजर आ रही है, देखो रोहन। नहीं सर, स्क्रीन आ रही है सर। मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं सर। आप आया चेहरा नजर? नहीं सर। चलिए देखिए, चेहरे के साथ देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, आवाज से मतलब है। यस सर। हाँ ये आ गया हमारे पास। तो इसका कोई फॉर्मूला था एनपीआर का? क्या फॉर्मूला लिखवाया था आज आपको? एनपीआर इज इक्वल टू क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन, बस खत्म। तो उसको मैं ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे लिखेंगे हम लोग? एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा? एन माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा? ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? ये एन माइनस वन माइनस थ्री तो कितना हो जाएगा? एन माइनस फोर हो जाएगा ये, और ये भी एन माइनस फोर फैक्टोरियल है। ये आपस में क्या कर दूँ मैं? ये अगले स्टेप में कर लेते हैं इसको, ठीक सीधा कर लो उसको। कितना आएगा एन अपॉन में कितना आएगा? और ये उल्टा हो जाएगा तो एन माइनस फोर कहाँ चला जाएगा? ये कट जाएगा बेटा, बच कितना जाएगा? क्या दोनों कट सकते हैं क्या? नहीं, मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल में हमेशा एक एक चीज़ क्या होती जाती है, एन माइनस वन में एक कम करो क्या आएगा? एन माइनस टू, एक और कम करो, एक और कम करो, एक बार और कम करो। अच्छा नीचे एन में एक एक कम करो, ये नीचे किसको एक्सपेंड करूँ मैं? इस वाले को करूँ, उस वाले को करूँ? नीचे वाले को करूंगा तो मेरा फायदा होगा, क्यों? देखिए ये एन देगा, एक कम करूंगा तो कितना आ जाएगा? और जहां रोकना चाहूं वो रोक सकता हूं, जैसे हम करते थे। 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है कहीं पे, मान लो इसको 8x7, जहां रोकना चाहे रोक सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने नीचे वाले को एक्सपेंड क्यों करा? क्योंकि हाँ एन मेरे एक कम करेंगे, इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/9, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? हो गया सवाल सॉल्व। थैंक यू सो मच सर, पपी कर ली। ठीक है रोहन जी,
सर एक बार लास्ट एक्सपैंड वाली स्टेप समझा दो। ठीक है सर। यहाँ तक पहुँच गए बेटा आप? यस सर, यस सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ध्यान देंगे जरा एक बार आप। ये कितना बज गया हमारे पास? ये बच गया मेरे पास। यस सर। अब ये ऐसे कैसे रहा? एन को एक्सपेंड करूँगा कितना आएगा? एन एन माइनस वन फैक्टोरियल नहीं आएगा? ओ अच्छा। ठीक है, आएगा सर। ये कट जाएगा तो ओके ओके, एन के लिए नाइन आ जाएगी। दो तीन सवाल मैं करूँगा, फिर एक देख दो आपसे भी करवाऊँगा, क्योंकि ठीक नाइन है। चार नंबर का देता है, पसंद है सबको। प्रोकेटियम, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन। 91 सेवन IC। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, लैंथियम, हैफनियम, टैंटेलियम, इरिडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, स्कैंडियम, टैंटेलियम, वैनेडियम, रोडियम, कॉपर। पीरियोडिक टेबल। मैं साइंस वाला हूँ। पूरी याद थी पहले हमें, मेरे मौसा जी याद कराते थे। हाँ दिन भर बस PCM PCM PCM। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हम पूछ के आइयो सर से, पेट्रोल में लगी आग पानी से नहीं बुझती, मिट्टी से बुझती है, क्यों? पानी से वो तेल ऊपर आ जाएगा, मिट्टी से वो ऑक्सीजन बगैर तो हो गया पूरा छाना स्वाभाविक है। तभी कोई तो कह रही है पानी नहीं जाएगा, पानी तो नीचे चला जाएगा, आग तो लगती रहेगी। ये हम बताएंगे कल सर से पूछ के, नहीं पूछना जरा रवि सर से पूछ के आना, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री वाले सर का नाम भी रवि है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। चलें आगे सर, कैसा लगा आपको? एक सवाल और करेंगे सर। अगला सवाल क्या कहता है आपसे? कह रहा है, क्या कह रहा है ये? सातवां सवाल क्या कह रहा है आपसे? सर कुछ नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हो, सवाल तो कुछ नहीं कहता। पाई पी आर किसके बराबर है? 2 × 6 PR-1। सुनिए मैं करके दिखाऊंगा। क्या कह रहा है? पाई पी आर किसके बराबर है? क्या था? 2 × एक बार आप केवल देखेंगे, केवल आपका ध्यान होगा वाइट बोर्ड की तरफ। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा मुझे थोड़ा, समझ रहे हैं ना अच्छे में? ये नहीं 6 − R−, अब साइन क्या हो जाएगा अंदर का? क्या आ जाएगा यहाँ? ये हो जाएगा 7 − अब देखते हैं, अब करेंगे काटा पार्टी। अब 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल में से किसको एक्सपेंड करूं मैं? 6 को करूंगा तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल काम क्या हो जाएगा? तमाम। रोहन जी ठीक है, यस सर। और 5 − R को एक्सपेंड करो, एक कम करो, क्या आएगा? 4 − R एक कम करोगे कितना आएगा? और कम करो, और कम करो। अच्छा 7 − R को कम करो, फिर कितना आएगा? फायदा किसमें है साहब? 7 − 7 7 में बनिया आदमी हो साहब, फायदा देखता हूँ मैं, कैसे करूँगा मैं? 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 को एक्लो करेंगे, 6 × और 7 − R को 7 − R। बस अब 5 − R से 5 − R गया, 5 से 5 गया, बस कितना गया? 1 = 12 / 7 − R। नहीं नहीं सर, पेपर दे रहे हैं अपने, प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। ये 8 बजे के आए हुए हैं सर, ये बहुत मेहनती बच्चे हैं सर, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे सर, ये
इन्होंने बहुत मतलब दिन को दिन रात को रात नहीं समझ रहे, और बहुत मेहनत करने में लगे हैं सर। हाँ आपको मैं अभी मैं मतलब सेक्रीफाइजर कौन है? देवी है। पंजाबी पुत्र है सर ये। हाँ हाँ मुझे भेजी थी सर। आप हो ना मेरे ट्रांसलेटर। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। करो जरा। आर की वैल्यू 3 और 6 आ जाएगी, लेकिन 6 कैन नॉट बी पॉसिबल। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ ये 5 है, 5 में से क्या आप आइटम ले सकते हो क्या? 6 कभी भी एन की वैल्यू 8 से बड़ी, सॉरी नहीं हो सकती। आर की वैल्यू एन से बड़ी नहीं हो सकती। आर कैन नॉट इक्वल टू 6 लिख देंगे आप। कॉपी कर दीजिए। रोहन पता लगा गलती क्या हुई? सर 36 की जगह 30 आना चाहिए ना आई थिंक। ये नहीं 36 नहीं बेटे, 30 है, लिखने में ऐसा हो गया ये। ओ 6 लग रहा है। हाँ मुझे भी, मैं वही देख रहा था। आर की वैल्यू 3 और 10 आ जाएगी ना। ठीक है हाँ, 3 R और 10 R आ रही है ना, वो कैटरीना पैटरीना अप्सरा के चक्कर में हमने गलती कर दी थी। थ्री और टेन, आर 10 नहीं हो सकता। आर की वैल्यू इतनी 3 आएगी। 3 3 10 4। अब मैं 2 सवाल आपसे करवाऊंगा, आप कॉपी कर लीजिए इसको। हाँ कॉपी कर।
रोहन जी ठीक है, रोहन जी ठीक हो गया कॉपी? यस सर, यस सर। रोहन जी कल तो आपको 8 बजे आना है, पता होगा सर। टेस्ट है कल? कल लीनियर इनिक्वेशन का टेस्ट है, 8 से 9:30 और 9:30 से 11 क्लास है। ओके सर। सर स्कूल में प्रोटोकॉल होता है। हाँ ये बात तो है। तो विद्या मैम के पास जा रही है ना तो पूनम द्वारका। अच्छा तो द्वारका से आती है तो दुआ सिंह ये वाला करके दिखाएंगे अब। ये वाला आप नहीं बात तो मेरे को पता है हुआ तो ऐसे ही था। देखो मैंने मेरे को अकाउंट्स का ए नहीं आता था, मेरे को मैं साइंस से पढ़ा हुआ बंदा था, मुझे अकाउंट्स कहाँ आती है। मैंने हाथ पकड़ लिया कि देखा सारी अकाउंट ट्रांसफर कर ली, सारी अकाउंट छीन ली मैंने इनकी। कुछ तो हुआ है एक्चुअली में, सारी अकाउंट्स आ गई। अच्छा चले आगे, रोहन जी चले आगे। सर कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, अभी तो आपको मैंने सवाल दिया करने के लिए। सर आर की वैल्यू 4 है। जसराज का दिन है आज,
ठीक है, इतिहास का आज सबसे इंपॉर्टेंट डे है, आपको पता होगा जसराज, आपको तो आज के दिन क्या हुआ था मालूम है आपको? हाँ, 6 जून 1984, मैं बच्चों का शेयर भी कर रहा था, मैं अमृतसर से आया हूँ कल रात को, और छावनी बना हुआ, छावनी नहीं नहीं छावनी बना हुआ है, मतलब सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है, होनी भी चाहिए। चले आगे, यस सर। एक सवाल मैं खुद लिखूंगा जरा आपके लिए, ठीक है? बाकी बच्चों की नोटबुक चेक करने आ रहा हूं मैं। सवाल नजर आ रहा है आपको सर? ये करिए,
सही तो है आर दिया 24 चल गया मैं तो है ना वगैरह नहीं तो ये बार आर तीन है नहीं वैल्यू नहीं इससे पहले वाला जो मैंने दिया था तो ये भी कर दिया तो 5 को 8 बना आज फिर 3 आएगी और आगे जो है लेकिन आर के नॉट भी इक्वल टू 8 आर 8 क्यों नहीं हो सकता आर के नॉट भी ग्रेटर देन है ना आर के नॉट क्या तरह का जवाब आपको ये क्या डाली गया आज क्या हो रहा रोहन क्लियर है बेटा हो गया सर 8 और 3 आ गए वैल्यू ठीक है लेकिन 8 नहीं हो सकता वो लिख देना आप हाँ ठीक है क्या नहीं लिख सकते हम लोग ए चलो आगे इस तरह के सवाल तो आप निकाल लोगे मेरे हिसाब से कुछ है ना आपको पहले होमवर्क नोट कराता हूँ होमवर्क लिखो पहले तो आप चैप्टर 4 क्या कल केवल लीनियर इक्वेशन का चैप्टर कॉम्प्लेक्स का भी दे दूं खाली लीनियर का दे देते हैं लीनियर चलने देते हैं अच्छा ये देखो जरा एक बार होमवर्क में ऑप्शन मार्क करो मैंने स्टार्टिंग के तो क्वेश्चन दे दिए थे तुम्हें होमवर्क के कुछ निकलेंगे कुछ नहीं निकलेंगे वैसे तो एग्जाम्पल नंबर लिखो जरा फिर भी करने की कोशिश करना है एग्जाम्पल 1 to 16 लेकिन आपसे एग्जाम्पल 16 नहीं निकलेगा मैं तो बता दूंगा आपको नहीं एग्जाम्पल 15 निकलेगा 14 15 16 तीनों नहीं निकलेंगे मतलब एग्जाम्पल 1 से 13 लिख लो आप 14 15 16 मत करना नहीं निकलेंगे तुमसे मैं ही कराऊंगा आगे देखिए अनसॉल्व में लिखिए जरा आप 1 to 13
मिसलियंस का लिखिए जरा, मिसलियंस का करेंगे क्वेश्चन नंबर, केवल क्वेश्चन नंबर फाइव कर पाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर फाइव मिसलियंस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फाइव। अगला कॉन्सेप्ट मैं अभी नहीं करा रहा आपको क्योंकि थोड़ा बड़ा है, इट विल टेक टाइम। करना है कुछ और कराऊं अभी, रहने दो। चलो फिर मैं यही रखता हूँ।